आप लोग इतनी महंगाई करे चले जा रहे हैं, और जो लोग काम करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी सैलरी एक ही जगह पे स्टक है। पेट्रोल 210 रुपये, आई एम सॉरी, गलती से निकल गया, माफ़ कीजिएगा। पेट्रोल 270 या 72 रुपये हो गया, और उस पेट्रोल की वजह से सब चीज़ों पे महंगाई बढ़ती है। डॉलर पता नहीं कहाँ जा रहा है, जो कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो उस बोझ को उतारने के लिए हम गरीबों को क्यों यूज़ किया जा रहा है? लेट सपोज कि आपके किसी, जो कि इन चीज़ों को चलाते हैं, आपके किसी बंदे की सैलरी से 25,000 रुपये, वो किस तरह इस महंगाई के अंदर अपने पूरे घर का खर्चा चलाएगा? ज़रा सोचें, आंसू ना निकले आपकी आंखों से, तो नाम बदल लीजिएगा। बहुत मुश्किल है लोगों का सांस भी लेना, क्योंकि सांस भी जब ही आती है जब इंसान खुश हो, क्योंकि परेशानियां जब ज़्यादा बढ़ती हैं तो इंसान अपनी कब्र के करीब जाता है, और जब कब्र के करीब जाता है तो फिर एक बंदा जाता है और पूरा घर रोता है, तो आंसू आते हैं। ज़रा सोचिए इस बारे में, कुछ कीजिए, क्योंकि हर कोई इतना अमीर नहीं कि इतनी महंगाई को बर्दाश्त कर पाए। पर इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, वी आर लो 90% जितने लोग हैं हम लोग, और 90% में से जो है ज़्यादातर या तो मिडिल क्लास है या तो गुर्बत की उस पीक के ऊपर है, जहाँ पर दो वक्त की रोटियाँ खाना भी मुश्किल है। तो फिर बच्चों के लिए दूध, उनकी एजुकेशन और तो तमाम चीज़ें हम कैसे करें? लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किस तरह पढ़ेंगे वो, जब स्कूलों के एक्सपेंसेस बर्दाश्त ही ना कर पाए? ये तो अल्लाह की हम पर करम है कि अब तक हम चल रहे हैं, वरना किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों को मौत की तरफ धकेलने में। तो गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि कम से कम एटलीस्ट किसी एक के कान पे तो पहुंचे और उसको कुछ समझ आए। वो शायद वो अल्लाह का बंदा बनकर हम पर थोड़ी सी इनायत करें कि हम लोग इतने महंगाई में नहीं रह सकते, क्योंकि नौकरी पेशा की जो सैलरी है वही खड़ी है, कहीं नहीं, कोई ज़्यादा नहीं हुई, सब वही।